देखा था कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं इसके लिए हम सब पूरी तरह से आश्वस्त रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान हर चरण में ऐसा लगता था मानो शपथ लेने जा रहे हो मुख्यमंत्री का अखिलेश जी, इस प्रकार का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया और चुनाव प्रचार के दौरान ही जो अराजकता इन्होंने शुरू कर, जैसे ही चुनावी अध्यादेश लगा उस एक प्रकार का भय का वातावरण इनके कार्यकर्ताओं ने इनके समर्थकों ने बनाना समाज में शुरू कर दिया और जिसका परिलक्षण आज चुनाव के रुझान में मतगणना के रुझान भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो बहुत साफ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक देश जैसा ये राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है और उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका में है और देश की राजनीति को तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना और वो भी एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री के रूप में, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 वर्ष में काम किया, वो भी 2 वर्ष कोरोना काल में चले गए और उनका रिपीटेशन ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश की राजनीति के डिस्कोर्स को एक नया आयाम देने जा रहा है। और इससे इतर बिल्कुल चले गौरव जी, मैं आपको रोकूंगा एक बार फिर से, मुझे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करना पड़ेगा। सुरभि अपडेट दें, क्या है जानकारी? आयुष, इस वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये बड़ा अपडेट, बीजेपी ने 200 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया है, ये बड़ी बढ़त बीजेपी के नाम, 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है, यानी कि विपक्षी पार्टी को तगड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बढ़त 200 का आंकड़ा बीजेपी को मिला है, कांटे की टक्कर हालांकि समाजवादी पार्टी और अगर मैं जोड़ दूं सर भी, तो 2 सीटों का केवल अब रह गया है, अगर 2 सीटें और बढ़त बना लेती है तो बहुमत पर आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी है। चर्चा में लौटूंगा मैं। मनोज जी, इतने सारे चुनाव आपकी नजरों से तो निकले होंगे सामने, इतनी ज्यादा बढ़त कभी शुरुआती रुझानों में क्या आपको लगा इससे पहले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपका तो अनुभव बहुत ज्यादा है मनोज जी? नहीं आयुष भाई, दरअसल आप अगर दिल्ली या ज्यादा कदा छोड़ दें, जहां सामने बिल्कुल सफाया हो जाता है कि 10% से ज्यादा सीटें किसी विपक्ष को नहीं मिली है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं देखा गया कि 10 या 10:30 या 11 बजे से पहले रुझानों में ही बहुमत के आंकड़ों को और वो सरकार पार कर ले जिसकी सरकार हो, ये सच में बड़ा अचंभा। लेकिन आयुष भाई आप थोड़ा ध्यान दीजिए गौरव जी की बॉडी लैंग्वेज, गौरव जी की बातें मैं सुन रहा हूँ, गौरव जी ने एक बात कही है कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत को, और इनके खुद के आकलन है कि ये कहाँ पर पहुंच रहे हैं। गौरव जी इस रुझान पर ये कह सकते हैं कि आपने बड़ी बात बड़ी खबर दे दी हमको, चलिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुष जी एक बात ये कहना है कि मैं फिर कहूंगा कि चुनाव होता रहेगा, हर साल हर 5 साल पे होता है, लेकिन जैसे अभी 15 लाख का या बाकी मुद्दे आए, बाकी चीजें हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बार बार बात करते हैं, पंजाब और लेकिन जो मुद्दे होते हैं या जो चीजें डिलीवर करनी होती है, विषम परिस्थिति की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसी विषम परिस्थिति में एक बार आपके चैनल के माध्यम से कल ही परसों के जिक्र मैंने कहा था कि 4.5 साल तक अखिलेश जी जितने अग्रसर पिछले 6 महीने में हुए हैं, अगर ये थोड़ा और पहले होते तो विपक्ष का एक बड़ा बैकूम भारतीय जनता पार्टी के सामने हर राज्य में होता है, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल हैं या नेशनल पार्टी कांग्रेस को आप देखिए, आप सोचिए 2024 चुनाव होने वाला, लेकिन विपक्ष क्या कांग्रेस भाजपा को घेरने में कामयाब होती है क्या? जबकि वही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है, चाहे 2 सीटें हो चाहे 272 सीटें हो, ये नाको चने चबा देती सत्ता में, 2G 3G खेल से लेकर के गैस से लेकर के किन किन मुद्दों की मैं बात करूं, तो सत्ता में रह के सरकार चलाना और विपक्ष रह के सरकार को घेरना, मुझे लगता है भाजपा ने जो नए आयाम गढ़ रही है पिछले 7-8 सालों में, नजरिया बदलना पड़ेगा विपक्ष के नेताओं को और सोचना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 महीने का जो आंदोलन चला है, आयोजित कम से कम 50 डिबेट हमने आपने की होगी उस मुद्दे को लेके, अगर वो मुद्दा हावी था, अगर वो नाराजगी थी, तो भैया बढ़त में क्यों नहीं, मेरा सवाल है। एक और बात है ना मनोज जी, बहुमत का आंकड़ा छू लिया भारतीय जनता पार्टी ने रुझान में ही, देखिए 203 हो गया जी, तो आयुष में वही कह रहा कि कहां है वो चीजें, ये सवाल भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 202 के आंकड़े को पार कर रही है तो वो मुद्दे या तो जनता के नहीं थे या जनता में नहीं। विपिन जी क्या बात जोड़ रहे हैं? देखिए इसमें ये बात बोलूंगा कि ये जो अभी समीकरण बन रहे हैं और जो स्थिति सामने दिख रही है, तो वो ऐसा लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ था कि वहां पर विपक्ष में भाजपा थी, सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर, आमने सामने कौन थे, टीएमसी और भाजपा, कहने को वाम दल भी थे कांग्रेस भी थे, लेकिन अंत में टक्कर हुई भाजपा की और टीएमसी की, और वहां पर भाजपा वाले जब विपक्ष में थे वो ये दावा कर रहे थे कि हम दोहरा शतक लगाएंगे, डबल सेंचुरी होगी, 200 पार होंगे, 100 से 100 भी नहीं कर पाए, तो वही हाल
वही सूरत हाल लगता है कि आज सपा के उसकी भी संभावना बढ़ रही है। नहीं, विपिन जी आपने जो बात कही, बिल्कुल विपिन जी आपने जो बात कही, मनोज जी उसको और बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मनोज जी तो पूरे समय वेस्ट बंगाल में मौजूद थे, बहुत नजदीकी से उन्होंने कवर किया। मनोज जी क्या वही चीज है जो अभी विपिन जी ने कही? आयुष जी मैं अभी भी मतलब तरात में बंगाल आ गया, मैं कलकत्ता में ही हूँ अभी, वहीं से लाइव हुआ आपके साथ। जी जी जी। विपिन जी मैं बताना चाहूंगा, दरअसल ज्योति बसु जी को जाते ममता को आते और ममता के सामने भारतीय जनता पार्टी को कैडर और 382 जाते या 618 करते हमने देखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या रुझान या बाकी लग रहा था कि ममता बंगाल में सरकार बन जाएगी, बीजेपी की बनेगी, लेकिन स्थितियां थोड़ी अलग डिबेट में है, अलग अलग स्थिति में क्यों कर रहा हूं विपिन जी, दरअसल आप बहुत वरिष्ठ हैं। यहाँ पर क्या है कि गांव से लेके कार मतलब मेट्रो तक काम करता है कल्चर, काम करता है इनके अपने कैडर, और कैडर के साथ साथ जो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थितियां दूसरी हैं, कैडर खत्म हो जाता है। आप बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक मंत्री रहे, अंतिम दिन ये बताते हैं, मनोज जी आपको रोकना पड़ेगा मुझे बीच में, मुझे ब्रेकिंग सेंटर का रुकना पड़ेगा, सुबह अपडेट दें। इस बीच एक और बड़ी खबर आयुष इस वक्त की बता देते हैं, जो बड़े अभी तक बातें सामने आ रही है और अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 203 सीटों से आगे चल रही है, 203 सीटों की बढ़त बीजेपी के नाम हो चुकी है, यानी बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। ये बड़ा अपडेट, बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ है, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 94 सीटें, लेकिन 203 सीटें बीजेपी के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है और ये बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है बीजेपी। आयुष बिल्कुल, और इसी में हम चर्चा में वापस लौटेंगे। श्री कृष्ण यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्री कृष्ण यादव जी, अब तो बहुत ज्यादा बढ़त हमको दिख रही है, लगभग 300 सीटों के रुझान अब हमारे पास आ चुके हैं और अब तो 10 भी बजने वाला है, इसको कवर अप कर पाएंगे? मैं अस्वस्थ हूं कि इसको मैं कवर करूंगा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत 60 कंपनी पीएससी अतिरिक्त लगी है, 70,000 से अधिक ऑफिसर्स यानी सीओज, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को लगाया गया है। प्रत्येक जनपद में जो है इस पूरी काउंटिंग व्यवस्था को जो सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है, और अभी 9 बजे तक हमने सभी जनपदों से पूछा है, सभी जगह सुचारू रूप से काउंटिंग चल रही है। सबका सभी जनपदों में जो जिलाधिकारी हैं वो प्रॉपर व्यवस्था उसकी सुनिश्चित कर रहे हैं, और अभी जो है धीरे धीरे करके काउंटिंग की और प्रगति आएगी। दो चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन का जो है इलेक्शन कमीशन से पहले ही बैंड है, और जो भी कैंडिडेट्स जो भी अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो सुरक्षा उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। तो ये सभी निर्देश विस्तृत रूप से शासन से DGP ऑफिस से दे दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन बहुत क्लियर है और व्यवस्था सुचारू रूप से जो है संपादित की। देखिए बहुत बृहद रूप से तैयारी इलेक्शन के काउंटिंग की होती है, सभी जनपदों में बृहद तैयारी है, सभी अधिकारी बहुत सजग रूप से ट्रांसपेरेंट एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, एंड कहीं कोई किसी तरह की अभी तक कोई प्रॉब्लम रिपोर्टेड नहीं है। ये जरूर है कि कहीं भी जो है किसी को भी काउंटिंग की व्यवस्था में कहीं भी व्यवधान उत्पन्न करने नहीं। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। श्री कृष्ण यादव जी, देखिए 204 और 94, अब मेरा सवाल आपसे यही था कि ये कैसे, ये जो गैप है इसको फिल कर पाएंगे और कैसे आश्वस्त हैं आप? अभी बहुत टाइम है साहब, धीरे धीरे चलते चलिए, देखते जाइए, गिनती सामने आ जाएगी, गिनती सामने आ जाएगी। और मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव जो है जनता ने लड़ा है, जनता जनार्दन है, उसका आएगा मैंडेट सामने आएगा, जिसे आप देखेंगे, उसका आंकलन करेंगे, किस तरीके से कभी कभार किस तरह से बाजी पलटती है और किस तरीके से अचानक से वही स्थिति हो जाती है जो पश्चिम बंगाल में हुई, क्या नाम कि भाजपा जीती और उसके बाद जो है ममता जी जीत गई और ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति, लेकिन रुझान में नहीं था। तस्वीरें क्या बता रही है कि यहाँ पर तो पूर्ण बहुमत दोनों जगह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वहां पर 204 का आंकड़ा है और यहाँ पर 40 उत्तराखंड में भाजपा। जी 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 जी, ये सही है, ये सही है, और उसको काउंटिंग तो चली रही है और आप देखते जाइए। ऐसा एक मैं यादव जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, यादव जी क्या ये हम मान के चलें कि अब ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ा जाएगा, या अभी जैसे जैसे समय बीतेगा
12 बजे 1 बजे तो वहां पर दूसरा कोई राग कल्पना शुरू कर देंगे? नहीं, राग अलापने की बात नहीं है, अपनी बात प्रस्तुत करने की बात है। ईवीएम तो सवालों को घेरे में बहुत शुरू से है, प्रारंभ से ईवीएम हमेशा, हालांकि पेशबंदी के तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह देते हैं कि अंत में ये ईवीएम पे ही ठीक रहा। चलिए, कुछ पंजाब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई आम आदमी पार्टी की तरफ। देखिए, अभी ईवीएम का जिक्र हुआ था विपिन जी, देखिए पंजाब में उसी ईवीएम से चुनाव हो रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी देखिए वहां पर दिख रहा है, और वहां तो हम लोगों ने देखा जश्न की तस्वीरें भी आने लगी। ये ईवीएम को लेकर किस तरह के जो सवाल उठते हैं श्री कृष्ण जी, इसीलिए विपिन जी ने पूछा कि वो ठीकरा कहीं ईवीएम पर तो नहीं फोड़ने का तरीका? बिल्कुल, कुछ साल पहले देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुए थे, वहां ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा गया, वहां ईवीएम वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लेना जिसको आप बताते हैं कि देखिए सारे जो आंकड़े धरे के धरे रह गए, वहां पर भी तो देखिए ना जीती ना टीएमसी, मुझे बेटिंग सेंटर का रुख करना पड़ेगा। सिर्फ भी अपडेट दें आयुष, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये बड़ा अपडेट हमारा जा सकता है क्योंकि जो बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से है, और लखनऊ की ये खबर आपको बता देते तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, लखनऊ पूर्व से बीजेपी के आशुतोष टंडन आगे चल रहे हैं लखनऊ पूर्वी सीट से, और कैंट से बीजेपी के ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी को यहां पर भी लखनऊ में भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा आगे चल रहे हैं, बख्शी का तालाब से समाजवादी पार्टी के गोमती यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो समाजवादी पार्टी भी आगे चल रही है कुछ उम्मीदवार, और वहीं लखनऊ में कुछ सीटों पर अभी बीजेपी को भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आयुष, बिल्कुल, तो बीजेपी की बढ़त, कहीं कहीं समाजवादी पार्टी की बढ़त, और इसलिए अभी इस पर लगातार हम सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर ये जो आंकड़ा है वो अब रुकेगा कहां पर जाके। गौरव जी, आपका रिएक्शन, आपका भी इंटरनल असेसमेंट क्या है, कुछ जानकारी और दे दें, क्योंकि आपने तो पहले ही बता दिया कि आपका जो आपको जो आपकी पार्टी की तरफ से जानकारी मिल रही है उसमें तो बहुमत आप पहले ही छू चुके थे। गौरव जी, जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, देखिए पश्चिम बंगाल की चर्चा ये लोग कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल जैसा मनोज जी ने बताया, पश्चिम बंगाल में पैरेलल समानांतर दो व्यवस्था चलती है, उनका कैडर जो है तथा कथित, जिसको आप कह सकते हैं कि दबंग गुंडा या उनके बल पर थाने जो संचालित होते हैं उसके आधार पर वोटिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कैडर नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता हुई है, आज सिर्फ लगभग 4% वोटों का ही अंतर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का रह गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की स्वीकार्यता बहुत प्रचंड पश्चिम बंगाल में भी है। 77 सीटों पर हम विजयश्री हासिल किए, हाँ हम सरकार नहीं बना पाए लेकिन उस पर और कार्य करने की आवश्यकता है, हम कर रहे हैं लगातार। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है और जो नीतियां हैं वो सर्वस्पर्शी हैं और सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने वाली है। और वहीं एक पार्टी जब रुझानों में पीछे आती है, जब एग्जिट पोल में पीछे आती है, तो कहती है कि क्रांति करना पड़ेगा, अखिलेश जी कहते हैं क्रांति करना पड़ेगा, दरअसल वो अपने अपनी पार्टी के संकट को वो लोकतंत्र का संकट बताते हैं। तो ये एक प्रकार का जो हायरार्की है, जो एक प्रकार की जो सामंती सोच है, उसको नकारा है जनता ने, उसको अस्वीकार किया है, वंशवाद को अस्वीकार किया है, जातिवादी राजनीति को अस्वीकार किया है, और अब एक बात तय हो गया है कि विकास पर सबसे कमजोर व्यक्ति का भी हक है, वहां तक भी पहुंचना चाहिए, और सब हर व्यक्ति इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है और राष्ट्र के विकास में अपना बिल्कुल मनोज जी, देखिए उत्तराखंड की टैली जो हम लोग देख रहे हैं इसमें 40 और 20 ये कांस्टेंट है, बिल्कुल 70 में से आप देखिए 40, और अब तो यहां पर जो टफ फाइट है वो भी नहीं, देखिए डबल से ज्यादा का हमको यहां पर अंतर नजर आ रहा है। उत्तराखंड पर एक टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी। दरअसल आयुष भाई, मैंने कहा कि उत्तराखंड में को चूंकि हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं, और बीच बीच में अक्सर इस मुद्दे को यो मोदी जी हिट करते रहे और चेहरे तब तब वहां बदलते गए, उन्होंने चेहरे बदलने में कोई देर नहीं की, कोई आप देखिए बीच में रावत को हटाए, फिर रावत को लाए, फिर जो है अंततः धामी को ले आए, और उसको ये जोड़ने में या ये कहिए कि उस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहे। और आपके सवाल के साथ साथ आज मैं एक बात कहना चाहेंगे, श्री किशन जी बहुत वरिष्ठ हैं और लेकिन चीजों को मानने में, चीजों को समझने में जब आपके सामने आंकड़े और सच्चाई हो तो उससे इनकार नहीं करना चाहिए। गौरव भाई, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईवीएम पे दोस्त जब हम पीछे होते हैं या हारते हैं तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं, विजय श्री हासिल होती तो उसी ईवीएम को माता चूमते हैं। मुझे लगता है कि सातवें नहीं बल्कि आपको पता 8वां वर्जन था इस बार ईवीएम का,
तो अब ईवीएम पे चर्चा बहुत ज्यादा ना करें, अगर करते हैं तो जब चुनाव आयोग या पार्टियां बुलाती हैं उसी समय डिनाई करें कि हम इसके साथ हैं या नहीं है और उसको प्रारूप दें। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जब परिणामों पर चर्चा होनी चाहिए कि जनमत किसके साथ गया, क्या मुद्दे किसके साथ रहे। और उत्तराखंड स्पेशली आयुष जी जब राज्य बना उसके बाद पहली बार सच में विचार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।